वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बीके गूगल। यह वीडियो आप सभी तमाम दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से अभी एक सबसे बड़ी वैकेंसी एसएससी जीडी अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से जनरल ड्यूटी के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है उसका संपूर्ण विश्लेषण ब्यूरा ए टू जेड जानकारी आपको सरल एवं आसान भाषा में मिलने वाला है। आपसे बीके गूगल एक ही विनती करता है कि पूरा वीडियो को बिना किसी चीज के अवश्य देखें। समय को न गवाते हुए चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में यह नोटिस जारी किया है जो आप देख सकते हैं बगल में। यह नोटिस जारी करके बताया है कि कितने स्वीकृत पद हैं एवं कितने स्वीकृत पद खाली हैं और कितने का वैकेंसी आने वाला है, क्योंकि 2024 में चुनाव है। एसएससी कैलेंडर जारी कर चुका है अक्टूबर तक का, लेकिन अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में यह एग्जाम यह वैकेंसी आपको आराम से देखा जा सकता है। तो हम लोग चलती है शुरू करते हैं। एसएससी जीडी अर्धसैनिक बल के अंतर्गत सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसबी, इस प्रकार के पोस्ट आते हैं, इस प्रकार के वैकेंसी आती है, जिसमें से हम लोग पूरा विश्लेषण इसका संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं कि कितने पदों पर अगली वैकेंसी होने वाली है। सीआरपीएफ में जो है दोस्तों 313,778 पोस्ट पे कार्यरत बल अभी है, लेकिन इसमें जो रिक्त पद है वह है 29,283 पदों पर 2023 के लिए रिक्त पद स्वीकृत है और इतने पदों पर बहाली होनी है। नेक्स्ट आते हैं बीएसएफ, 257,363 पोस्ट पर यह कार्यरत पुलिस बल है, 257,363 और इसमें जो रिक्त पद है दोस्तों वह है 19,982। नेक्स्ट आईटीबीपी, इंडो तिब्बत पुलिस बल, 89,432 टोटल पोस्ट है दोस्तों, जिसमें कार्यरत सिपाही इतने हैं और इसमें जो रिक्त पद है वह है 4,142। नेक्स्ट है सीआईएसएफ, जो इंडस्ट्रियल रहते हैं, जैसे कि आपने हवाई अड्डा, आपने विभिन्न प्रकार के सरकारी कारखानों में देखा होगा, सीआईएसएफ जो 144,418 टोटल कार्यरत बल है, जिसमें भी रिक्त पद बहुत ही बंपर 19,475 पदों पर यह रिक्त पद स्वीकृत है, यह रिक्त पद दर्शाया गया है। असम राइफल की तरफ से 63,747 कुल बल कार्यरत है, जिसमें 3,706 रिक्त पद आगे आने वाले हैं। वहीं एसएसबी 97,242 कार्यरत बल है, वहीं रिक्त पद 8,273 पदों पर रिक्त पद है। इस प्रकार 84,866 पोस्ट खाली है और भी विभिन्न प्रकार के पोस्ट है जो कम कम है, उनका मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि वह बहुत ही न्यूनतम सीट रहते हैं उनका। यही मैक्सिमम सीट वाले यही अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति बहुत ही जल्द आपको देखी जा सकती है। उम्मीद करेंगे यह वीडियो या जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, किसी भी प्रकार का क्वेरी हो कमेंट कीजिए। और हाँ, आप कमेंट में कौन सा प्रिफरेंस सबसे बढ़िया, आपको कौन सा पोस्ट लगता है यह अवश्य करें। आपको जो भी पोस्ट जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी जो सबसे बढ़िया लगता है उसका कमेंट में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।